चलिए अभी हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन का थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम जो है उसका कंसेप्ट दिया था एमर्सन और आर्नल्ड ने, जब उन्होंने एमर्सन इफेक्ट दिया और रेड ड्रॉप दिया। बाद में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम था फोटो सिस्टम्स, इसको कंसेप्ट दिया था एमर्सन और आर्नल्ड। फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम एक प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है। क्या है फोटो सिस्टम? प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि दो चीज़ों से बना होता है, दो कॉम्प्लेक्स रहते हैं उसमें। जो पहला है वो है कोर कॉम्प्लेक्स, एक है कोर कॉम्प्लेक्स, दूसरा है एक एंटेना कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है? रिएक्शन ए रिएक्शन सेंटर रहता है कोर कॉम्प्लेक्स में, जो बना होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से। जो कोर कॉम्प्लेक्स है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और जो एंटेना कॉम्प्लेक्स है उसको हम दूसरा भी एक नाम दिया है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स भी हो सकता है, एक्सेप्ट एक जो रिएक्शन सेंटर है उसके सिवा सब यहाँ पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। अप्रॉक्सीमेटली होते हैं 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो फोटो सिस्टम का मतलब क्या हुआ? फोटो सिस्टम इज इक्वल टू रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना कॉम्प्लेक्स, दैट इज LHC। तो फोटो सिस्टम का मतलब होगा रिएक्शन सेंटर प्लस LHC। अभी देखिए कि कितने टाइप के फोटो सिस्टम्स हैं। तो फोटो सिस्टम्स मेनली दो टाइप के हैं, PS1 और दूसरा है PS2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो कि नाम दिए हैं वो उसके डिस्कवरी से दिए गए हैं। जो पहले डिस्कवर हुआ था उसको PS1 बोला, फिर जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको बोला PS2। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि PS1 क्या है वह PS2 क्या। अभी हम देखते हैं दो टाइप्स के पिगमेंट सिस्टम जिसका डिस्कवरी हुआ, पहले उसको बोला गया PS1 फोटोसिस्टम 1, और जिसका बाद में हुआ उसको बोला गया PS2 फोटोसिस्टम 2। अभी दोनों में क्या एक डिफरेंस है, दोनों क्या है वो हम समझते हैं। पहले देखते हैं PS2। PS2 है जो रिएक्शन सेंटर है उसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? तो वो 680 nm वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके स्टिम्युलेट होता है और अपना 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाता है, वो 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एब्जॉर्ब 680 nm ऑफ लाइट। तो देखो अभी यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है दो डायग्राम, एक PS2 है और एक PS1 है। दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर, दोनों में सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि रिएक्शन चैम्बर जो सिर्फ PS2 का है वो 680 nm का लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है PS1 में वो एब्जॉर्ब करता है 700 nm ऑफ लाइट।
अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टाइप्स के हमने कॉम्प्लेक्स लिखे थे, एक था रिएक्शन सेंटर और दूसरा था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो एक पूरा फोटो सिस्टम बना होता है उसमें एसेसरी पिगमेंट्स रहते हैं, 250 to 400 एसेसरी पिगमेंट, जिसमें कैरेटिनॉइड्स रहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए रहते हैं, बी रहते हैं, सी रहते हैं, डी, ई, ये सभी यहाँ पर रहते हैं। और वो हर एक पिगमेंट मॉलिक्यूल अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो सोलर लाइट को हार्वेस्ट करता है। तो हमने देखा है कि फोटॉन्स जब प्लांट के पिगमेंट्स पर जब गिरते हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उसको फनल करता है, फनल इट डाउन टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर, ताकि पूरे सफिशियंट अमाउंट की एनर्जी वो रिएक्शन सेंटर को मिले और उसके दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर जाए। तो यहाँ से फोटॉन्स जब नीचे आते हैं तो पिगमेंट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो सोलर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, और अल्टीमेटली वो पहुंच जाता है रिएक्शन सेंटर पे और वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सेम PS1 है, पर PS1 में रिएक्शन सेंटर है जो 700 nm का लाइट एब्जॉर्ब करता है, और प्रोसेस तो यहाँ पर भी सेम है, फोटॉन्स जो एब्जॉर्ब करके वो फनल करेंगे, सोलर एनर्जी को फनल करेंगे डाउन तक और रिएक्शन सेंटर को एक्साइट करेंगे। अभी यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाता है, तो यहाँ पर फोटोसिस्टम में कोई उसको एक्सेप्ट करता है। जनरली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कैसा होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है और वो एमिट करता है रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अभी ये जो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेस पर है, पर अभी ये लिविंग सेल्स में हो रहा है, तो वो जब आने वापस आएगा तो वो एक चेन से आएगा और उसको वहां पर पहला एक इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सेम वे यहां पर भी जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये एक जानने की चीज है कि दोनों में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग है। जो PS2 है उसमें है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन जो है वो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, वो कलरलेस है और वो मैग्नीशियम नहीं होता है फियोफाइटिन में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम देखने को मिलता है पर फियोफाइटिन जो है वो कलरलेस है और उसमें मैग्नीशियम लैकिंग है। और जो PS1 है उसमें है FeS प्रोटीन, ये जो FeS प्रोटीन है आयरन सल्फर प्रोटीन, वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम 1। तो हमने ये पूरी तरह से समझ लिया है कि क्या है फोटोसिस्टम। आगे हम देखेंगे कि फोटो फॉस्फोराइलेशन में जो प्रोसेस होती है वो हमको लास्ट पार्ट है लाइट रिएक्शन का, तो अगले वीडियो में हम